नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों मैं आया हूँ एक प्रॉब्लम लेके, और प्रॉब्लम किसका है, कीबोर्ड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड है, और इसमें ना जैसे हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो दबे के दबे रह जाता है। जैसे कि कोई सा भी बटन हम प्रेस करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जे वाली बटन है ना वो दबा हुआ है। ठीक है, शायद दिख जाए तो दिख जाए, और नहीं दिखेगा तो फिर समझ सकते हैं ना। तो यार इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, और मतलब ना हम कुछ भी काम करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब टाइपिंग करते हैं ना तो टाइपिंग करते करते कोई बटन दब जाता है। जैसे कि हम कंट्रोल वाले काम कर रहे हैं तो कंट्रोल जैसे बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल वाले बटन ही दबे रह जाएगा, मतलब रहता है। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को, और हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सही करेंगे या कैसे सुधारेंगे, है ना। तो यार चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को भी लाइक कर देना यार। करते नहीं हो, बस देखते हो भाई साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और देखते हैं इसका सलूशन हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ना डेल का ओरिजिनल कीबोर्ड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोई भी बटन हम प्रेस करते हैं ना तो दबे के दबे रह जाता है। ठीक है ना, तो यार इसमें प्रॉब्लम क्यों आता है सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि इसमें धूल वगैरह डला, मतलब घुस जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हम एप वाली जो बटन देखें तो देख सकते हैं आप, ये दबा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये दब जाता है, कुछ भी काम करते रहते हैं ना, जैसे कंट्रोल ही हो गया तो कंट्रोल ही दब जाता है, या तो फिर इंटर करते हैं तो फिर इंटर ही दब जाता है, या फिर इधर से कोई बटन हम प्रेस करते हैं तो वो दब जाते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर पूरा वही वाली जो बटन है उसी का टाइप हो जाता है। तो इसको हम साफ करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे जो बटन यहाँ पे दबाने पर दब जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो दब गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे बटन को, देख सकते हैं अब ये दबा हुआ है। तो यार उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको नुकीला को भी ले लेना है चीज़, और उसके बाद जो है ना इसको इस तरह से हल्का से उठाना है, जोर से मत करना नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे ना तो यार पूरा धूल वगैरह यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और इसमें भी धूल वगैरह पूरा दिख रहा है, तो इसके वजह से ना ये सब प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसको हम ना इस तरह से साफ कर देंगे, और कपड़ा उपड़ा से हम इसको जो है साफ कर लेंगे। तो चलिए मैं कोई सा भी कपड़ा ले लेता हूँ, जैसे कि ये कपड़ा हो गया। अब इसको क्या करना है, इस तरह से करना है, और इसको जो है ना इस तरह से चारों तरफ को साफ कर देना है। ठीक है, इस तरह से साफ हो जाएगा, अब देखिए। और उसके बाद जो है ना इसको भी साफ कर लेना है हमें अच्छे से। ठीक है, ताकि जो भी धूल वगैरह है वो साफ हो जाए और हमारा जो बटन है वो सही रूप से काम करने लगे। तो इस तरह से हम साफ कर लेंगे दोस्तों, और जितने भी है इसको हम इस तरह से इसको भी साफ कर लेंगे, और हो सके तो थोड़ा फूंक मार के इसको साफ कर लेना ताकि जो भी धूल वगैरह है अंदर वो बाहर आ जाए। इस तरह से साफ कर लेना है, और इसको भी अच्छे से साफ कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद जैसे निकाले थे ना उसी तरह से इसको भी सेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से, तो देखिए ये लगभग काम करने लग गया। और उसी तरह से और कौन बटन प्रेस करने पर प्रेस हो, अच्छा ये एफ बटन है ना, तो एफ वाली को भी हम निकाल लेंगे। इसको जो है आराम से निकालना है भाई, है ना, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से निकालना है, अदरवाइज़ क्या है कि टूट जाएगा। अगर लॉक इसका टूटा ना तो फिर ख़त्म कहानी इसका। तो इसको जो है ना आराम से हमें खोलना है, ये देखिए पूरा धूल जमा हुआ उसमें। अगर आपको दिखाऊं तो देखिए भाई इतना जब धूल जाएगा तो कीबोर्ड कहाँ से काम करेगा यार। तो इसको जो है ना हम फूंक मार के साफ कर लेंगे, और इसको भी जो है इस तरह से हम कपड़ा से साफ कर लेंगे जितने भी धूल वगैरह उसको, और इसको जो उसमें काम किए थे ना सेम काम इसमें भी कर देंगे। इस तरह से इसमें कपड़ा घुसाएंगे और इस तरह से इसको हिला देंगे, मतलब इसको हम जो है साफ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद फिर इसको लगा के देखते हैं अब ये काम करता है कि नहीं करता, ये देखिए ये भी सही हो गया। ठीक है, अब कौन प्रॉब्लम का, ए वी इसमें लगभग ना सभी बटन वैसे है दोस्तों, प्रॉब्लम सभी बटन लगभग प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है, इससे क्या है कि आपका जो नया कीबोर्ड लेंगे ना उसका पैसा बच जाएगा यार। इसमें भी सेम वही हाल है, पूरा धूल पूरा घुसा हुआ है।
इसको इस तरह से साफ कर लेंगे। तो इस तरह से आप वन बाय वन साफ कर लेना दोस्तों, ठीक है। और पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, ठीक है। तो देखिए ये भी बटन सही हो गया। तो इस तरह जो है आप अपने कीबोर्ड को सही कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नया लेने की ज़रूरत नहीं है यार, जब जुगाड़ में काम बन जा रहा है तो खरीदने का क्या मतलब है यार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।